हेलो सो so, इस वीडियो में हम देखेंगे नॉलेज एक्विजिशन के बारे में क्या होता है नॉलेज एक्विजिशन क्या उसका बेसिक आर्किटेक्चर है कौन कौन से टास्क होते हैं नॉलेज एक्विजिशन में और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं नॉलेज एक्विजिशन की सो बेसिकली नॉलेज एक्विजिशन है क्या सो नॉलेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नॉलेज फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज मतलब एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना दैट इज़ कॉल्ड एज़ नॉलेज एक्विजिशन मतलब नॉलेज को एक्वायर करना अब नॉलेज क्या है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड फैक्ट्स प्रोसीजर्स एंड जजमेंट रूल्स नॉलेज क्या होती है बेसिकली किसी डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन और अब उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है या तो कुछ फैक्ट्स होते हैं कुछ प्रोसीजर्स होते हैं या फिर कुछ रूल्स होते हैं सो दैट इज नॉलेज एक्विजिशन अब नॉलेज एक्विजिशन को कई बार हम नॉलेजाइज एलिसाइटेशन भी बोला जाता है ठीक है और नॉलेज एलिसाइटेशन क्या है उसमें हम एक ह्यूमन एक्सपर्ट से नॉलेज को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं सो नॉलेज एलिसाइटेशन इज अ सबसेट ऑफ नॉलेज एक्विजिशन यानी नॉलेज एक्विजिशन का सबसेट क्या कहलाता है नॉलेज एलिसाइटेशन और इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपर्ट से ही नॉलेज को एक्वायर किया जाता है ठीक है so सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन इज़ एक्सट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम ह्यूमन एक्सपर्ट जबकि ओवरऑल नॉलेज एक्विजिशन में हम बहुत सारी सोर्सेज ह्यूमन हो सकते हैं कोई वेबसाइट हो गई या कोई पिछले का केस स्टडी हो गया सब जगह से नॉलेज को एक्वायर करते हैं ठीक है नाउ लेट अस सी द बेसिक डायग्राम या प्रोसेस फ्लो किस तरह से काम करता है सो डोमेन एक्सपर्ट है नॉलेज इंजीनियर होते हैं अब डोमेन एक्सपर्ट हमने यहाँ पे लिया है यहाँ पे हो सकता है आपका बहुत सारा अलग अलग सोर्सेज भी हो सकता है सो बेसिकली नॉलेज इंजीनियर क्या कहेगा वो डेटा प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को नॉलेज डोमेन एक्सपर्ट के पास भेजेगा कि मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए डोमेन एक्सपर्ट उसके बारे में नॉलेज कॉन्सेप्ट और सोल्यूशंस नॉलेज इंजीनियर को दे देगा जो उसको फॉर्मुलाइज करके एक स्ट्रक्चर वे में कन्वर्ट करके किसके अंदर नॉलेज बेस के अंदर स्टोर कर देगा सिंपल ठीक है तो दैट इज मेन नॉलेज एक्विजिशन आर्किटेक्चर अब यहाँ पे हो सकता है कि जो डोमेन एक्सपर्ट है ये अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज को एक्वायर करेगा सो देअर कैन बी मल्टीपल सोर्सेस ठीक है नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टास्क इन नॉलेज एक्विजिशन कौन कौन से टास्क होते हैं तो इसको याद रखने के लिए आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो इट इज सी आई ए डी सी आर करके याद रख सकते हो आप या फिर आप इसको एसिड करके भी याद रख सकते हो जैसे डेटा में एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसे आप एसिड टास्क करके भी इसको याद रख सकते हो बट आपको लिखना है इसको इस फॉर्म में सी आई ए डी सी से होता है कलेक्ट करना नॉलेज को सो इट इज़ एक्वायरिंग द नॉलेज फ्रॉम द एक्सपर्ट सो इट इज़ एक एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ इनके आर में एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट देन द सेकेंड इज फ्रॉम आई डेट इज इंटरप्रेट नॉलेज को इंटरप्रेट करना जो नॉलेज आपने एक्वायर करी है उसको इंटरप्रेट करना सो so, इंटरप्रिटेशन से मतलब क्या होता है रिव्यू एंड आइडेंटिफाइंग की इंफॉर्मेशन सो रिव्यू एंड आइडेंटिफाइंग की इंफॉर्मेशन कि पूरी जो आपने नॉलेज एक्वायर करी से करी है उसमें से मेन मेन पार्ट कौन से हैं और यू कैन राइट मेन और की पार्ट्स देन ए से होता है एनालाइज करना ठीक है सो एनालाइज का मतलब क्या है आपने जो नॉलेज एक्वायर करी उससे आप कुछ थ्योरम्स क्रिएट करना है थ्योरीज क्रिएट करना है स्ट्रेटेजीज बनाना सो इट इज फॉर्मिंग थोरीज एंड स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्योरीज स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन फाइनल इज डी से होता है डिजाइन सो डिजाइन का मतलब होता है फॉर्मिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करना सो दैट इज सी आई ए डी याद रखने के लिए आप एसिड करके याद रख लो बट आपको लिखना इसी सीक्वेंस में कलेक्ट इंटरप्रेट एनालाइज एंड डिज़ाइन ठीक है सो दिस इज दीज आर दी टास्क ऑफ नॉलेज एक्विजिशन अब देखते हैं नॉलेज एक्विजिशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं सो बेसिकली छह टेक्निक्स होती हैं नॉलेज को एक्वायर करने की सबसे पहली होती है इंट्रोस्पेक्शन सो so, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है इसमें जो एक्सपर्ट है इट एक्ट्स एज एन एक्सपर्ट एंड नॉलेज इंजीनियर सो एक्सपर्ट एक्ट्स एज बोथ एक्सपर्ट एंड नॉलेज इंजीनियर सो so, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है कि अपने ही थॉट प्रोसेस को एग्जामिन करता है जो एक्सपर्ट होता है और उसके बेस पे कोई एक सिस्टम को वो बिल्ड करता है जो वो सोचता है कि अच्छे से सॉल्यूशन दे देगा सो so, इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब अपने ही बारे में अपने ही थॉट्स को दोबारा से एग्जामिन करना ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है इट इन्वाल्व सर्टन एनालिसिस एनालिसिस करना वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखना ठीक है सो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया और उससे आपने कंक्लूजन विदड्रॉ किया सो so इसमें जो एक्सपर्ट है वो क्लोजली ऑब्जर्व करता है वर्क को सो एक्सपर्ट क्लोजली ऑब्जर्व दर्क ठीक है सो हेल्प क्या क्या कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना जो एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हो जिनकी ऑब्जर्वेशन आपको स्टडी करनी है या उसका सब्सिक्वेंट एनालिसिस करना सो दैट इज ऑब्जर्वेशन थर्ड इज़ इंडक्शन इंडक्शन का मतलब होता है कन्वर्टिंग अ सेट ऑफ एग्जांपल्स इनटू रूल्स सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेट ऑफ एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स जो आपने स्टडी करे जिसको आपने अपनी एक तरह से बेसिक डेटा बनाया टू जनरेट रूल्स सो उनको रूल्स के अंदर कन्वर्ट करना सो इट इज़ कन्वर्टिंग सेट ऑफ एग्जाम्पल्स इन टू रूल्स ठीक है सो दैट इज इंडक्शन देन द फोर्थ इज प्रोटोकॉल एनालिसिस प्रोटोकॉल एनालिसिस बेसिकली साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है जो मेडिकल uh, टर्म है साइकोलॉजी सो इट इज बोरोड फ्रॉम दैट एक्सपर्ट का काम क्या होता है एक्सपर्ट इज आस्क टू परफॉर्म अ टास्क एंड टू वर्बलाइज इट्स थॉट प्रोसेस मतलब कि एक्सपर्ट से कुछ काम करने के लिए कहा जाता है और उस काम का जो उसने किया उसको एक वर्बल फॉर्म में एनालाइज करने के लिए कहा जाता है सो एक्सपर्ट इज आस्क टू परफॉर्म अ टास्क एंड वर्बलाइज द थॉट प्रोसेस कि उस काम को करते टाइम उसके क्या क्या थॉट्स चल रहे थे मन में उसको एक वर्बलाइज करना उसको एक ट्रांसक्रिप्ट करना उसको एक रिकॉर्ड करना या उसको एनालाइज करना सो दैट इज़ प्रोटोकॉल एनालिसिस देन प्रोटोटाइपिंग इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरव्यूइंग टेक्निक जो इंटरव्यूइंग टेक्निक है इसी के एक्सटेंशन है ठीक है सो एक्सटेंशन ऑफ इंटरव्यूइंग टेक्निक इसमें क्या होता है जो एक्सपर्ट है वो नॉलेज इंजीनियर के साथ काम करता है सो एक्सपर्ट प्लस नॉलेज इंजीनियर बिल्ड्स सिस्टम सो दोनों के दोनों मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं सो so, बेसिकली होता है क्या है द एक्सपर्ट यूज़ द सिस्टम टू टेस्ट द नॉलेज टू बी इंक्लूडेड तो ये जो एक्सपर्ट होता है वो सिस्टम को टेस्ट करता है और जो नॉलेज इंजीनियर है वो साथ साथ उसको मॉडिफाई करता रहता है बाय इंटरेक्टिंग विद द एक्सपर्ट सो आप इस तरह से इसको देख सकते हो एक्सपर्ट नॉलेज इंजीनियर सो एक्सपर्ट क्या करता है सिस्टम को टेस्ट करता है और जो उसके फीडबैक होते हैं वो नॉलेज इंजीनियर को देता है नॉलेज इंजीनियर उसमें मॉडिफिकेशन करके बार बार एक्सपर्ट को देता रहता है सो नॉलेज इंजीनियर बेसिकली प्रोटोटाइप्स क्रिएट करता है एक्सपर्ट उसको टेस्ट करता है अपना फीडबैक देता है नॉलेज इंजीनियर उसमें दोबारा से मॉडिफिकेशन करता है प्रोटोटाइप में दोबारा से देता है और ये प्रोसेस चलता रहता है देन वी हैव दिस इंटरव्यूइंग सो इट इज़ बेसिकली यूज इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन सबसे शुरू में यूज होती है और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली टेक्निक यही है इंटरव्यूइंग ठीक है सो इसमें क्या होता है कि नॉलेज इंजीनियर एक्सट्रैक्ट्स द नॉलेज एंड बिल्ड्स द सिस्टम इन अ मैनर विच ही बिलीव सिमिलर टू द वे द एक्सपर्ट थिंग्स और एक्सपर्ट इस जो नॉलेज है उसको वेरीफाई करता है सो so, इसमें आप सिंपल लिख सकते हो एक्सपर्ट्स वेरीफाई द नॉलेज ठीक है जो कि किसने बनाई है एक नॉलेज इंजीनियर ने सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टूअर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू